हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में वीजा रिलेटेड कुछ सारे बात यहां पे बताने वाला हूँ और इसके अलावा भी कुछ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर भी यहां पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो काइंडली वीडियो का लास्ट तक बने रहे और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो का एक लाइक जरूर करके जाइए और ऐसे ही कतर के बारे में अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ओके, तो चलिए चालू करने से पहले मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि लास्ट 2-3 दिन से मेरे पास बहुत सारे ऐसा कमेंट आ रहे हैं कि सर आप बताइए कि कतर में क्या इंडिया का फ्लाइट बैन कर दिया या तो फिर कतर से क्या इंडिया का वर्क परमिट देना बंद कर दिया। तो यहां पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैं पहले भी ऑलरेडी एक बता चुका हूं कि कतर गवर्नमेंट तो ये अनाउंस किया है कि सारे के सारे कंट्री अगर इंडिया को बैन भी कर दे, कतर कभी भी इंडिया को बैन नहीं करेगा। कतर से फ्लाइट कंटिन्यूअसली इंडिया टू कतर यहां पे आते रहेंगे। कतर ने भी ये अनाउंस किया कि सारे के सारे एयरलाइंस भी अगर उड़ान भरना बंद कर दे इंडिया टू कतर, कतर वैसे अकेला वो एयरलाइंस होगा जो कंटिन्यूअसली ये ऑपरेशन जारी रखेगा। ओके, तो यहां पे आप लोगों को डरने का कोई भी बात नहीं है। और यहां पे जो नेक्स्ट सवाल आप लोग कर रहे हैं कि वीजा बंद हो गया कि नहीं, तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा कतर में जो कोविड कंडीशन है इसमें हालात में सुधार दिखाई दे रहा है। वन बाय वन चीजें अभी ओपन हो रहे हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को 2-3 दिन पहले बताया था कि इंडियन डोमेस्टिक वर्कर वीजा भी यहां पे ओपन कर दिया गया है। वीजा तो अभी ओपन हो रहे हैं, तो आप लोग यहां पे बंद करने का सवाल कहां से लेकर आ जा रहे हैं। यहां पे कोई भी वीजा बंद होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मुझे पता नहीं है आप लोगों को ऐसे इंफॉर्मेशन कहां से मिल रहा है, जहां से भी मिल रहा है आप लोग थोड़ा उसको अवॉइड कीजिए। ओके, तो चलिए चलते हैं आज का वीडियो का टॉपिक। आज का वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं कि वर्क मल्टी एंट्री वीजा क्या होता है। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, मगर बहुत सारे सब्सक्राइबर नए यहां पे जुड़े हैं जिन लोगों को पता नहीं है कि वर्क मल्टी एंट्री वीजा में और वर्क वीजा में क्या डिफरेंस है। तो यहां पे मैं छोटा करके आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वर्क मल्टी एंट्री वीजा जो होता है इसका ड्यूरेशन 1 साल का होता है, जिसमें आप लोगों का रेसिडेंशियल ड्यूरेशन 3 मंथ होता है, जिनमें हर 3 महीने में आप लोगों को कतर से एग्जिट करना पड़ेगा अपना कंट्री, फिर वहां से फिर से यहां पे आना पड़ेगा। मगर अभी कोविड के दौरान यहां पे बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो वर्क मल्टी एंट्री वीजा में यहां पे है, मगर उसका 6 महीना 7 महीना पार हो गया, वो अभी तक अपना कंट्री में नहीं गया है, एक ही वीजा में वो यहाँ पे कंटिन्यूअसली रह रहे हैं। ओके, मगर इस वीजा का टोटल ड्यूरेशन है 1 साल। 1 साल से ज्यादा इस वीजा में आप लोग यहाँ पे नहीं रह सकते और इस वीजा में आप लोगों का क्यूबीसी का जरूरत नहीं होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज है। अगर आप लोगों का क्यूबीसी मेडिकल अनफिट आ जाता है तो आप लोग अपने एम्प्लॉयर को अप्रोच कर सकते हैं कि वर्क मल्टी एंट्री वीजा अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इसमें जो प्री मेडिकल होता है ये टोटली आप लोगों का हाथ में होता है। कोई भी नॉर्मल मेडिकल सेंटर से आप लोग वो सारे मेडिकल रिपोर्ट लेके आप लोग अपना एम्प्लॉयर को दे सकते हैं और सिर्फ इससे ही आप लोग का वर्क मल्टी एंट्री वीजा अप्लाई हो जाएगा। ओके, और इस वीजा में अच्छा बात तो ये है कि ये वीजा अप्लाई होने में आप लोगों को महीनों वेट करना नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि वर्क वीजा होने के लिए पहले क्यूबीसी अपॉइंटमेंट डेट का वेट करना पड़ता है, उसके बाद मेडिकल होने के बाद मेडिकल रिपोर्ट सबमिट कब होगा उसका वेट करना पड़ता है, उसके बाद होने के बाद कब आप लोगों का एम्प्लॉयर वीजा फीस सबमिट करेगा उसका वेट करना पड़ता है। तो बहुत दिन यहां पे लग जाता है, तकरीबन 1 से 2 महीना तो यहीं पे चला जाता है। मगर यहां पे वर्क मल्टी एंट्री वीजा में ऐसा कुछ नहीं है, 1 हफ्ता 10 दिन का अंदर ही आप लोगों का वीजा अप्लाई हो जाता है। यहां पे सिर्फ जो वेट करना पड़ता है वो आप लोगों को होटल या तो फिर मोटेल मिलने के लिए जितना टाइम लगता है उस टाइम का वेट यहां पे करना पड़ता है। यहां पे इस वीजा का बुरा बात यह है कि इस वीजा में आप लोगों को यहां पे आने के बाद आईडी नहीं बनेगा, और ये वीजा अगर आप लोगों का एक बार लग जाता है तो 1 साल पहले अगर आप लोग चाहे कि जॉब चेंज करें तो आप लोग यहां पे नहीं कर सकते, जब तक ना आप लोग का ओल्ड एम्प्लॉयर आप लोग का वीजा कैंसिल करे। अगर आप लोग चाहते हैं कि बीच में 1 साल का बीच में अगर आप लोग अपना कंट्री चला जाता है तो जब तक ना ये वीजा एक्सपायर होता है तब तक आप लोग फिर से कतर नहीं आ पाएंगे, ये बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ओके, और यहां पे बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि वर्क मल्टी एंट्री वीजा क्या बहुत सारे लोग एक साथ एंट्री करेंगे, ऐसा क्या कुछ है? यहां पे ये नहीं है। वर्क मल्टी एंट्री वीजा मतलब एक वीजा में आप लोग बार बार कतर में एंट्री कर सकते हैं। यहां पे वीजा का रूल के अनुसार हर 3 महीने में आप लोग अपना कंट्री जाएंगे और इसी वीजा में फिर वापस आ सकते हैं। तो यहां पे टोटल 12 महीने में आप लोग 4 बार यहां से एग्जिट करेंगे, फिर से कतर में इसी वीजा में आप लोग एंट्री कर सकते हैं, बार बार एंट्री कर सकते हैं, इसीलिए मल्टी एंट्री वीजा इसको कहा गया है। ओके, इस वीजा में आप लोग कतर में 1 साल तक रह के काम कर सकते हैं और 1 साल बाद आप लोग जब यहां से फाइनल एग्जिट करेंगे इस वीजा में, तब ये आप लोगों के एम्प्लॉयर के ऊपर है कि वो इसके बाद आप लोगों का वर्क वीजा अप्लाई करता है या फिर से वर्क मल्टी एंट्री वीजा अप्लाई करता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं अभी आप लोगों को वर्क वीजा और वर्क मल्टी एंट्री वीजा में जो डिफरेंस है बेसिक डिफरेंस वो समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोगों का अभी वर्क मल्टी एंट्री वीजा अप्लाई हो रहा है, बहुत सारे लोगों में ये कंफ्यूजन भी चल रहा था, इसलिए मैं इसका एक बेसिक डिफरेंस आप लोगों को बता दिया। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो का एक लाइक जरूर करके जाइए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।